एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद कंगना रनौत ने बॉलीवुड के बारे में बहुत सारे बड़े खुलासे किए हैं। कंगना ने अब सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की लीड एक्ट्रेस संजना सांगी पर निशाना साधा है। कंगना ने अपने ट्विटर पर सुशांत और संजना पर लिखे गए एक पुराने आर्टिकल को शेयर किया और साथ ही उनसे सवाल भी पूछा। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद संजना लगातार उनसे जुड़ी यादें और बातें अपने फैंस से शेयर करती रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही संजना ने सुशांत पर लगे मी टू आरोप पर भी बयान दिया है। आपको बता दें कि सुशांत पर आरोप लगा था कि उन्होंने दिल बेचारा की शूटिंग के दौरान संजना के साथ बदतमीजी की थी। उनसे जुड़ी कुछ कहानियाँ मीडिया में भी आई थी, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान संजना ने इन सारी खबरों को झूठ बताया है। उन्होंने ये साफ किया है कि सुशांत ने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी। उन्होंने कहा सुशांत उनके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने आगे कहा हम सभी को अपनी अपनी सच्चाइयां पता है। लोगों को लगता है कि इस तरीके के बातों से सिर्फ सुशांत परेशान हुए थे, लेकिन हकीकत में मैं भी उतना ही परेशान थी। ये बात दूसरों को क्या पता कि मेरे और सुशांत के बीच कैसी बॉन्डिंग थी, वो मेरे लिए क्या मायने रखते थे, ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ। हम रोजाना आराम से शूटिंग करते थे, जब एक दो ऐसे आर्टिकल आते थे तो आप ध्यान नहीं देते। इस तरीके की कहानियों ने कभी मेरे और सुशांत के बीच की दोस्ती पर कोई फर्क नहीं डाला, क्योंकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। इसके बाद कंगना रनौत ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा, कई अंधों ने दावा किया था कि सुशांत ने संजना के साथ बलात्कार किया है। उन दिनों संजना के साथ हैरेसमेंट की काफ़ी न्यूज़ मीडिया में वायरल हुई थी। संजना ने ये क्लैरिफिकेशन करने के लिए अपना प्यारा टाइम क्यों निकाला, जब वो जिंदा थे तब क्यों उन्होंने अपनी दोस्ती के बारे में कोई बात नहीं की। आगे ट्वीट में कंगना ने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए लिखा, मुंबई पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। आपको बता दें कि संजना ने कुछ दिन पहले ही मुंबई पुलिस से इस बारे में बातचीत भी की थी। संजना ने बताया था कि साल 2018 में उन्होंने ये फिल्म साइन की थी। सुशांत से उनकी पहली मुलाकात शूटिंग के सेट पर ही हुई थी। उस दौरान मीटू कैंपेन चल रहा था और किसी ने ऐसी अफवाह भी उड़ाई थी कि सुशांत ने संजना के साथ कुछ गलत किया है, लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ये भी कहा जा रहा था कि मीडिया में ये खबर फैलने की वजह से सुशांत डिप्रेशन में चले गए थे। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा 24 जुलाई को रिलीज होगी। ये फिल्म सभी ऑडियंस के लिए हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी।